तो आज हम लोग पढ़ने वाले WBC के बारे में। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। अब वाइट को ना दूसरे लैंग्वेज में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूको, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूको। वाइट का मतलब क्या होता है, ल्यूको। सो वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट्स इन द सेंस दे आर कलरलेस, उनको कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स आर बेसिकली कलरलेस, ओके। अगर हम लोग एक वाइट ब्लड सेल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, सो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इफ़ यू कंपेयर दिस विद रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स वर अन्यूक्लिएटेड, उनको न्यूक्लियस नहीं होता है, बट वाइट ब्लड सेल्स को क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब दे हैव देयर न्यूक्लियस। नाउ इफ़ यू सी WBC के खास प्रॉपर्टी होती है, एक खास फीचर होता है कि दे आर फैगोसिटिक। लाइक सपोज दिस इज़ अ WBC, ये WBC है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा WBC है जो मर गया, या यहाँ पर दूसरा सेल है जो मर गया, तो ये WBC क्या करेगा, इसको खा लेगा, ठीक है। सो एक WBC दूसरे WBC या दूसरे सेल्स को क्या करता है, खा लेता है। सो वो जो प्रॉपर्टी होती है टू ईट अदर WBCs, सो दैट प्रॉपर्टी बाई विच अ WBC ईट्स अदर सेल्स, ठीक है, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक, ठीक है। तो हम लोग WBC को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक। फैगो का मतलब होता है ईट, फैगो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फैगो का मतलब होता है टू ईट, ठीक है। और साइट का मतलब तो पता है अपने को, साइट का मतलब सेल्स होता है। तो WBC कैन ईट अदर सेल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज फैगोसाइटिक। इतना समझा। अब WBC की एक और ख़ास बात है, सपोज ये मेरा एक ब्लड वेसल है, ये मेरे बॉडी की एक छोटी सी कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड वेसल है एक बारीक सी। अब ये ब्लड वेसल के अंदर ना यहाँ पर WBC जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से WBC जा रहे हैं, पर ना कुछ बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ है, WBC हैज़ दैट प्रॉपर्टी टू स्क्वीज आउट ऑफ दिस सेल। तो जो WBC है उसका शेप पहले ऐसा था, वो क्या करेगा, अपने आप को ऐसा बारीक कर लेगा, ठीक है, एंड इट विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ द वॉल। वो क्या करेगा, वॉल के बाहर आने की कोशिश करेगा, एंड अल्टीमेटली वो WBC क्या करेगा, अल्टीमेटली वो ऐसे करके स्क्वीज होके बाहर आ जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली ऐसे बाहर आ जाएगा। तो WBC की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को स्क्वीज़ कर सकता है, अपने आप को दबा सकते हैं, और छोटे से होल में से क्रॉस कर सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एमोइबॉइड मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, एमोइबॉइड मूवमेंट। तो WBC कैन स्क्वीज थ्रू स्मॉल होल, छोटे से होल से भी वो स्क्वीज कर सकता है, बाहर आ सकता है। सो हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एमोइबॉइड। बॉक्स लू, एक क्यूब लू जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 हो, ठीक है, जो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये बॉक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिलीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इतने छोटे से क्यूब में अगर ब्लड लूँ तो उसके अंदर कितना WBC रहेगा, सो देर विल बी अराउंड 1 मिलीमीटर क्यूब में देर आर अबाउट 7000 WBC। कितना रहता है, 7000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब। अब अगर तुम लोग इसको RBC से कंपेयर करोगे, RBC में कितना होता है, 5 मिलियन RBC पर मिलीमीटर क्यूब, और WBC कितना होता है, 7000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब। तो कहाँ 7000 और कहाँ पर 50 लाख, फ़र्क है क्या, नहीं है ना। तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं और वाइट ब्लड सेल कम होते हैं, इसलिए हमारा जो ब्लड है इट लुक्स रेड, हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड दिखता है, वाइट नहीं दिखता है वाइट ब्लड सेल होने के बाद भी। अपना जो RBC होता है उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ अराउंड 120 डेज, है ना, 120 दिन की ज़िंदगी होती है, उसके बाद अपना जो सेल है वो मर जाता है। सेम तरीके से वाइट ब्लड सेल की भी लाइफ होती है, सो वाइट ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 डेज, मतलब सिर्फ 3 से 4 दिन की ज़िंदगी है, समझा। आज पैदा हुआ, मंडे को पैदा हुआ, थर्सडे तक ख़त्म, ठीक है, सो दे हैव ओनली 3 to 4 डेज ऑफ लाइफ स्पैन। और एक बार जब वो लोग मर जाते वंस दे डाए तो जो दूसरे WBC होते हैं वो उसको खा लेते हैं, मतलब क्या हो जाता है उनका, फैगोसाइटोसिस हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो व्हेन दे डाई अदर WBC दे ईट इट अप, ठीक है, दूसरे WBC उसको खा लेते हैं।
सो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। पास एक बोन है, ठीक है, बोन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पर ये बोन मैरो है। अब ये बोन मैरो में से क्या होता है, यहाँ से छोटे छोटे ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सफ़ेद कलर के, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो WBC है। सो प्रोडक्शन ऑफ दिस WBC फ्रॉम बोन मैरो, ये बोन मैरो से बन रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ WBC इन बोन मैरो इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। तो जिस तरीके से कल हम लोग ने RBC का देखे थे, RBC के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोपोइसिस, और जब WBC फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। सो वेन एवर देर इज़ एन इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, जब भी हमारा WBC इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और जब भी हमारा वाइट ब्लड सेल कम हो जाता है, वेन एवर आवर वाइट ब्लड सेल रिड्यूसेस, जब भी कम होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो वेन एवर WBC डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ल्यूकोपेनिया। सो बहुत सिमिलर टर्म्स है, वहाँ पर एरिथ्रोसाइटोसिस था और एरिथ्रोसाइटोपेनिया था, और यहाँ पर क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया। तो इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स तो समझ में आ जाएगा हम लोग को, आसान लगेगा फिर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, WBC का अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो सच कंडीशन लीड्स टू ब्लड कैंसर, इतना समझा। सो व्हेन दी अमाउंट ऑफ WBC इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई नंबर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब इंक्रीज़ हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन टू WBC। अब हम लोग पढ़ेंगे WBC के टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो WBCs आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, WBC दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है।